हेलो वेलकम, मैं कंचन और आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ह्यूज नायका हॉल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। एंड कुछ प्रोडक्ट्स जो है पहले डिलीवर हो गए थे, कुछ अभी डिलीवर हुए हैं तो इकट्ठा हो गए थे, तो मैं शेयर करना चाहती थी। और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ इस हॉल वीडियो के लिए क्योंकि ये मेरा पहला हॉल वीडियो होगा। यस, एंड कुछ प्रोडक्ट जो है मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ और कुछ मैं शुरू से ट्राई करती आई हूँ, तो बहुत अच्छे से ये वर्क करते आए हैं। एंड बहुत सारे बातें शेयर करूंगी रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड बहुत सारे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही रिकॉग्नाइज किया है। तो यस, बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत मज़ा भी आएगा ये वीडियो शूट करने के लिए क्योंकि बहुत सारे मेरे मनपसंद प्रोडक्ट्स हैं इसमें। तो यस, इस वीडियो को शुरू करने के पहले टेक अ मोमेंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस तरह के और भी स्किन केयर, ब्यूटी एंड मेकअप रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए घंटी के आइकन को हिट जरूर करें जिससे आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरा फेवरेट ब्रांड है, ऑर्गेनिक ब्रांड है, ये नेचर तत्व का प्रोडक्ट्स है एंड मैं बहुत फ़ैन हूँ इसके क्योंकि ये ना प्रोडक्ट्स हमेशा से वर्क करते आए हैं। तो जो मेरा पहला प्रोडक्ट होगा वो एलोवेरा जेल का है एंड बहुत ही ऑर्गेनिक ये प्रोडक्ट्स है एंड इसकी सेल्फ साइज थोड़ी सी कम होती है और मैं बहुत सालों से इसका यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने इनके यूज़ किए हैं एंड मैंने इसे इसलिए बाय किया था क्योंकि मेरा जो प्रीवियस वाला था वो ख़त्म हो गया था। एंड सबसे अच्छी बात ये है ना, मैं इस पर रख देती हूँ, सबसे अच्छी बात ये है ना कि लोग बोलते हैं और मैं भी ये चीज़ नोटिस करती थी ना, क्यों जो है लोग एलोवेरा जेल इतना अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब मैं इसे अप्लाई करती थी तो हाँ स्किन जो है मॉइस्चराइज हो जाता था पर कभी लगता नहीं था कि कुछ इफेक्ट हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 6 साल के बेटे पर इसे लगाना शुरू किया एंड 1 महीने के बाद ना वो ग्लो कर रहा था और सब पूछ रहे थे कि तुम क्या लगा रहे हो, अचानक से बेटा ग्लो कर रहे हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स पूछ रहे थे। तो फिर मैंने ये नोटिस किया कि एक्चुअल में एलोवेरा जेल वर्क करते हैं अगर वो अच्छे क्वालिटी के हो तो। ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है और ये हमेशा से वर्क करते आए हैं। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ना ये मेरा फेवरेट ब्रांड रहा है एलोवेरा जेल का। एंड अभी मैंने एक नया प्रोडक्ट इन्हीं का ट्राई किया है, ये पपाया जेल। मैंने पहले ट्राई किया था गुड वाइब्स का बट मुझे वो बहुत स्मेली लग रहा था, तो मैं कुछ और ज़्यादा प्योर फॉर्म में चाह रही थी। तो मैंने नेचर तत्व का मैंने देखा ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैंने इसे देखा कि ये स्टॉक में है तो मैंने जल्दी से इसे ऑर्डर प्लेस किया। ये पपाया जेल है, प्योर है एंड सबसे अच्छी बात है नेचर तत्व के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो हैंड एक्सट्रैक्टेड होते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कोई भी कलर नहीं है, कोई भी इसमें स्मेल नहीं है। तो मैं इसे ट्राई कर रही हूँ एंड शुरू नहीं किया है बट करूँगी एंड बहुत जल्दी आने वाले वीडियोज़ में जो है आप देखेंगे ही मुझे इसका यूज़ करते हुए और मैं थोड़ा सा रिव्यू भी शेयर कर दूँगी कभी कोई वीडियो में। तो यस, जो ये दो जेल मैं ट्राई कर रही हूँ और दोनों बहुत अच्छे से वर्क आई थिंक करेंगे। इन दोनों प्रोडक्ट के साथ साथ मैंने नेचर तत्व का और एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो है ये कस्तूरी मंजस वाइल्ड टर्मरिक जो बहुत ही प्योर फॉर्म में है। मैंने और दूसरे ब्रांड्स के भी यूज़ किए हैं, वो भी अच्छे थे बट मैं इस ब्रांड के ट्राई करना चाहती थी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मैं बहुत DIYs करती हूँ, मैं घर की नेचुरल चीज़ों पर बहुत रिलाय करती हूँ, तो मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ DIY के लिए और ये हमेशा बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो जैसा कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे DIY ट्राई करती हूँ, फेस वगैरह लगाती हूँ। तो यस, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने बाय किया है ना वो अरोमा मैजिक के 7 स्टेप स्किन ग्लो फेशियल है सलून रेंज एंड जो दूसरा है 7 स्टेप पर्ल फेशियल सलून रेंज। ये जो है स्पेशली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है और ये नॉर्मल स्किन के लिए ग्लो ग्लोइंग इफेक्ट के लिए। तो ये दोनों मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है क्योंकि ना ये जो फेशियल्स होते हैं ना ये आप सेल्फ कर सकते हैं क्योंकि जो प्रॉपर फेशियल होता है ना हमें 10-15 मिनट से मसाज करनी पड़ती है जिससे हाथ दुखने लग जाता है स्पेशली मेरा। तो ये सब फेशियल्स में क्या होते हैं ना, आपको पोर्स को फेस पर रखना पड़ता है 5, 10 और 15 मिनट्स के लिए और उसे जस्ट आपको एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सारे इसमें लिखे हुए आपको मिल जाएंगे कैसे करना है। तो मसाज सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ही करना है इसमें, तो सेल्फ मसाज फेशियल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत जल्दी आप इसका रिव्यू भी देखेंगे मेरे चैनल पर। तो मैं इन्हें ट्राई करने वाली हूँ। तो इन फेशियल किट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली ये पर्ल वाले फेशियल किट के लिए क्योंकि ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है। तो मेरी स्किन ऑयली है तो अगर ये मुझे सूट करता है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसे अपने स्किन केयर में ऐड रखूँगी। एंड वैसे भी अरोमा मैजिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक एंड सेफ होते हैं। ये जो सीरम है अरोमा मैजिक का, ये स्किन ब्राइटनिंग सीरम, ब्राइटन एंड इम्प्रूव स्किन टोन है। ये मैं 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, 1 साल हो गया इसको यूज़ करते हुए एंड बहुत अच्छा ये वर्क करता है। अगर आपकी स्किन डल एंड डैमेज हो गई है तो आप इसे 10 डेज रेगुलर
कलर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसे स्टॉप कर दीजिए और वीक में 3 times यूज़ करिए। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ये मेंटेन रखता है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए जो आपकी डल एंड डैमेज स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करे। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, अरोमा मैजिक के प्योर हैं, सेफ हैं, तो मैं इस पर बहुत बिलीव करती हूँ और मुझ पर ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं। मैं इसे वीक में 3 times ज़रूर यूज़ करती हूँ सोने के पहले। उसके ऊपर इसे अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर मैं मॉइस्चराइजर वगैरह एलोवेरा जेल जो भी हो अप्लाई कर लेती हूँ, बट इसे ज़रूर वीक में 3 times अप्लाई करती हूँ। तो अगर आप एक ब्राइटनिंग सीरम ढूंढ रहे हैं जो सेफ हो, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी मुझे पिंपल के मार्क्स रह जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए मुझे एक ब्राइटनिंग सीरम की ज़रूरत होती है। एक और प्रोडक्ट जो मैंने रीपर्चेस किया है, मैं बहुत दिनों से इसका यूज़ कर रही हूँ, वो अरोमा मैजिक का सनब्लॉक लोशन SPF 30 है। क्योंकि मैं घर पर रहती हूँ तो मेरे लिए SPF 30 इनफ है। ये मैट लुक देता है, नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है एंड स्किन पर ग्लो आ जाता है इसको अप्लाई करने के बाद, एंड 100% सेफ एंड प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। तो मैं इसे रीअप्लाई भी कर सकती हूँ। मैं इसे मॉर्निंग पर अप्लाई करती हूँ, आफ्टर बाथ अप्लाई करती हूँ एंड आफ्टर मेकिंग लंच अप्लाई करती हूँ। तो 3 times मैं इसे अप्लाई करती हूँ एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इसको अप्लाई करने के बाद, एंड मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे ना नायका के फेशियल ऑयल्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल भी ऑयल की तरह ही स्मेल करते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल स्मेल नहीं होता है। तो मैंने 2 अभी रिसेंटली बाय किए हैं। ये मैंने रीपर्चेस किया है नायका का कैरेट सीड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल 100% प्योर। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई एंड सी है। यस, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे विटामिन सी सूट नहीं करता है, मेरी स्किन इरिटेट हो जाती है। तो मैं जब भी इस ऑयल का यूज़ करती हूँ कि इसमें विटामिन सी है अभी है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने विटामिन सी का जो अप्लाई है वो मैं कर सकती हूँ इस ऑयल की वजह से। तो मैं इसलिए भी इसका यूज़ करती हूँ, एंड ये ऑयल ना मुझे कभी भी कॉज नहीं किया है एक्ने एंड पिंपल को, और इसमें SPF भी है, क्योंकि कैट्स इसमें ना नेचुरल SPF भी होते हैं। तो मैं इसे 1 drop ऐड करती हूँ अपने मॉइस्चराइजर पर। स्पेशली मैं इसे यूज़ करती हूँ विंटर्स में, बट जब भी मुझे लगता है कि मेरी स्किन ड्राई एंड डल हो गई है, तो मैं एलोवेरा जेल में 1 to 2 drop डाल के अप्लाई कर लेती हूँ, एंड मेकअप करने के पहले भी इसे अप्लाई करती हूँ। मुझे कभी भी इसने कॉज नहीं किया है एक्ने एंड पिंपल को। जो दूसरा मैंने अभी इसे फर्स्ट टाइम ही बाय किया है, वो नायका का एवोकाडो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल 100% प्योर है, एंड ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स है, इसमें जो है विटामिन ए डी ई है, एंड ये हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके हेयर अगर डल एंड डैमेज हो गए हैं, तो आप इसे जस्ट अपने को भी फेवरेट ऑयल में मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं स्काल्प पर, पूरे हेयर पर ये रिपेयर करता है। तो मैं इसे ट्राई करूँगी, एंड आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो यस, बहुत अच्छे ये दोनों फेशियल ऑयल मुझे लग रहे हैं, क्योंकि नायका के ऑयल्स ऐसे ही बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो है वी वॉश इंटीमेट हाइजीन। ये वॉश है, मैं थोड़ा हिचक रही थी क्योंकि मुझे यूट्यूब शुरू के अभी 1.5 years ही हुए थे, और मेरा ये फर्स्ट हॉल वीडियो है, तो मैंने सोचा शेयर करना चाहिए, करूँ कि नहीं करूँ। बट मैंने फिर सोचा कि अगर किसी को ज़रूरत हो ये सुनने की, कि और कुछ परसेंटेज लोग अगर मेरा बात सुन के यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसे यूज़ करने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, कि नॉर्मल हाइजीन वॉश है इंटीमेट एरियाज़ के लिए। एंड क्योंकि जो हम साबुन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें आर्टिफिशियल फिग्रेंस होता है, कलर होता है, एंड बहुत सारे केमिकल पैराबेन वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है इंटीमेट क्लीनिंग के लिए। तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर मुझे, मेरे बोलने से अगर कोई भी इसे ख़रीदता है, इसे बाय करता है, तो उन्हें इन फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो यस, ये मैंने भी नायका से बाय किया था, और मैं ज़रूर आपको ये दिखाना चाहती थी, एंड नाउ फाइनली मैंने दिखा दिया। यस, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हेयर केयर के लिए जो मैंने पॉड्स बाय किया है ना, जो पहला पॉड्स है वो लॉरियल प्रोफेशनल का इंटेंस स्मूथिंग शैम्पू है, और दूसरा है लॉरियल प्रोफेशनल का स्मूथिंग मास्क, एंड जो तीसरा है वो लॉरियल प्रोफेशनल का शाइन परफेक्ट इन ब्लो ड्राई ऑल लिव इन सेरम। इन तीनों पॉड्स को मैंने बाय किया है नायका से, बट मैं इनका यूज़ बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, एंड ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आपके हेयर में इतना डैमेज, डल एंड फ्रिजी होते रहते हैं, तो वैसे तो मैं स्ट्रेटनिंग वगैरह यूज़ करती हूँ, ब्लो ड्रायर वगैरह यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये ज़रूरत होती है अपने हेयर को रिपेयर करने की। हर वीक मैं DIYs करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है DIYs करना, बट कभी कभी टाइम नहीं होता है, या आप मूड में नहीं होते DIYs करने के, आपके पास आप कहीं बाहर ऑटो स्टेशन गए हो और आपको अपने हेयर को खूबसूरत दिखाना होता है, तो ये तीनों बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एंड मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ एक्चुअल में ये वर्क करते हैं, एंड मैं यहाँ पे कुछ बातें आपका जरूर शेयर करूँगी। जैसे कि शैम्पू वगैरह आप जब भी यूज़ करते हैं ना, तो मेक श्योर यूज़ करने के पहले अपने हेयर को अच्छे से वेट कर लीजिए, एंड शैम्पू को थोड़े से पानी में ना मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ
स्काल्प लगा के उससे मसाज करिए एंड जो फोम बनेगा उसे ही अपने हेयर फॉल पर अप्लाई करिए। इससे अगर आपके हेयर डैमेज हैं तो शैम्पू की वजह से और डैमेज नहीं होंगे। और मैंने कुछ दिनों से ऐसा मैंने किया है और मैं देख रही हूँ कि ये एक्चुअल में वर्क करते हैं। तो यस, आप इस तरह से शैम्पू करिए, ये ज़रूर वर्क करते हैं। एंड दूसरा, ये जो मास्क और कंडीशनर आप जब भी अप्लाई करते हैं, मेक श्योर अपने हेयर को टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लीजिए, उसके बाद थोड़े से हाथों में लेकर स्प्रेड कर लीजिए। सिर्फ हेयर फॉल पर अप्लाई करना है, स्काल्प पर कोई भी मास्क कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करते हैं। तो यस, एंड ये जो सीरम है इसका यूज़ आपको करना है, जैसे कि आपने पूरा हेयर ड्राई कर लिया है, आपके हेयर जो है 50% ड्राई हो गए हैं, उसके बाद इसे आप हाथों पर 1-2 पंप लीजिए, उसके बाद इसे अप्लाई कर लीजिए। इसे अप्लाई करने के बाद आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं एंड हेयर स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हैं, तो हेयर डैमेज जो है वो कम हो। नेक्स्ट जो शैम्पू मैंने बाय किया था ना, वो पैंटीन का प्रो वी एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन 2-in-1 शैम्पू प्लस कंडीशनर हेयर फॉल कंट्रोल, ये शैम्पू है। और ये शैम्पू ना मेरा स्पेशली आफ्टर ऑयलिंग शैम्पू है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आफ्टर ऑयलिंग ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है शैम्पू, जिससे वो ऑयल निकल जाए, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। एंड इससे ना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ना कि ऑयल लगाने के बाद ना हेयर थोड़े ज़्यादा फॉल होते हैं, तो मैं इसलिए एंटी फॉल वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। एंड अच्छा शैम्पू है ये, मुझे पसंद आता है ये शैम्पू पैंटीन का, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैं बहुत सालों से इसका यूज़ करती आई हूँ, तो एक्चुअली मेरे घर में सभी इसका यूज़ करते हैं। यस, तो अच्छा है, अगर आप चाहें आफ्टर ऑयलिंग कोई शैम्पू तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स में जो मैंने पहली चीज़ ऑर्डर की थी वो स्विस ब्यूटी का 5-स्टिक मेकअप ब्रश है, इस तरह की इनकी पैकेजिंग आती है। एंड एक्चुअली ना मैं ढूंढ रही थी स्पंजिंग ब्रश, जैसे कि ये व्हाइट वाला ब्रश है ना स्पंजिंग, मैं वो ब्रश ढूंढ रही थी क्योंकि मेरा स्पंजिंग ब्रश जो है वो ख़राब हो गया था। तो मैंने देखा स्विस ब्यूटी में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये 5 ब्रश के सेट्स मिल रहे थे, और स्विस ब्यूटी है एक नोन ब्रांड है एंड इनके प्रोडक्ट्स ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है, आई शेडो वगैरह, तो मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाह रही थी। एंड इसमें आपको बहुत सारे फ्लफी ब्रश भी मिल जा रहे हैं, फ्लैट ब्रश भी मिल जा रहे हैं, एंड कंसील ब्रश भी मिल जा रहा है, पाउडर ब्रश भी मिल जा रहा था, तो मैंने इसे ज़रूर ट्राई करना का सोचा, तो मैंने इसे बाय किया। एंड डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में मैं अगर इसे ट्राई करूँगी तो आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी, तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा भी लगा, अच्छा है 5-सेट का ब्रश। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसे मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इनसाइड का नेल पॉलिश रिमूवर है 30 वैक्स। जैसे कि मैं वीक में 4 वीडियोज़ बनाती हूँ और हर एक वीडियोज़ में मेरे ड्रेस के साथ नेल पॉलिश के कलर भी अलग होते हैं, तो मैं जितनी बार भी अपने नेल पॉलिश से नेल पॉलिश को रिमूव करती हूँ ना, तो मेरे नेल जो है वो ड्राई हो जाते हैं। और जब से मैंने इसका यूज़ किया है तो मेरे जो नेल है वो ड्राई नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें इसकी हेल्प से आपके नेल मॉइस्चराइज भी हो जाते हैं। तो मैंने जो पहला चीज़ निकाला था अपने नायका के बॉक्स तो वो ये था। एंड अभी एक वीक पहले मैंने 4 times अपने नेल के कलर जो है वो चेंज किए हैं, रिमूव किए हैं, तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका है। अराउंड ये 10-15 पीस बचे होंगे, 10-15 ख़त्म हो गए हैं। तो यार मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, 30 वैक्स आपको 35 रुपीज़ के अराउंड मिल जाते हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप भी मेरी तरह नेल पॉलिश लगाने का शौक रखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने बाय किया है वो फेसेस कनाडा का मैग्नेट आई मस्कारा है, ये वॉल्यूम मस्कारा है। मैंने फेसेस कनाडा के ना मैग्नेट आईलाइनर यूज़ किए थे, वो बहुत अच्छा था, इसका काजल भी यूज़ किया वो भी बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मस्कारा क्यों छोड़ दिया, मैंने इसे भी ऑर्डर कर दिया एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था, क्योंकि मैंने मेबलिन का क्लोजल मस्कारा यूज़ किया है एंड लॉरियल का पैराडाइज मस्कारा यूज़ किया है, वो बहुत ही अच्छे हैं। बट मैंने इसे भी मुझे ट्राई करना था क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल रहा था एंड पैराबेन फ्री है, क्योंकि मैं अभी लुक करने वाली थी मेकअप लुक पैराबेन फ्री प्रोडक्ट से, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था, तो मैंने इसे ट्राई किया। आगे वीडियो में आप देखेंगे ये कैसे वर्क करते हैं। मुझे लगता है फेस कनाडा के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा ही वर्क करेगा, तो एक्साइटेड फॉर दिस। लैक्मे का इंस्टेंट लाइनर वाटर रेसिस्टेंट आईलाइनर है कलर इन ब्लू में, जैसे कि मैंने अभी अप्लाई किया है इन कलर का मेटेलिक ब्लू कलर आईलाइनर, बट ना मुझे थोड़ा सा मैट लुक में चाहिए था जिससे मैं कैजुअली भी वेयर कर सकूँ और आंखें थोड़ी सी पॉप हो जाएँ। अच्छा लगता है कभी ना डेनिम के साथ इस तरह का ब्लू लाइनर यूज़ करना, मुझे बहुत पसंद आता है। तो मेरे पास ड्राई नहीं था कुछ, तो मैंने इसे बाय किया, मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी, बहुत अफोर्डेबल ये प्राइस में आपको मिल जाते हैं एंड बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर है, बहुत ही अच्छा मैट लुक ये देता है, तो मैं कोई वीडियो में आगे ट्राई करूंगी तो आप देखेंगे ही। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेस किया था वो है मेबलिन सुपर स्टे मैट लिपस्टिक, इस तरह की इनकी पैकेजिंग आती है, और अभी मैंने इसे ही अप्लाई किया है। मुझे ना इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अभी 2 घंटे हो चुके हैं मैं इससे अप्लाई की हूँ और कभी मैंने रीटच नहीं किया है, उसके बीच में मैंने पानी पिया है, एक बनाना खाया है, एंड आप देख सकते हैं
मैं 2 घंटे से बातें भी कर रही हूँ कैमरे के सामने, बट कोई भी वो फट फट के नहीं आया है, जो कि मैट लिपस्टिक में कभी कभी हो जाते हैं। तो मुझे इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप मैट लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो उसके पहले आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, लिप मॉइस्चराइज़र, उसके बाद उसे ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आप ये मैट लिपस्टिक यूज़ करिए। क्योंकि सेम चीज़ ना मैंने इसके साथ भी देखा है और शुगर के मैट लिक्विड लिपस्टिक के साथ भी देखा है, जब भी मैं मॉइस्चराइज़र के साथ उन्हें अप्लाई करती हूँ लिपस्टिक को तो वो फट जाते हैं, और जब मैं मॉइस्चराइज़र लगाकर उसे ड्राई करके तब इसे अप्लाई करती हूँ ना, तब वो स्टे करते हैं लॉन्ग लास्टिंग। तो शुरू में मैंने ऐसे ही किया था तो ये फट गए थे, उसके बाद मैंने अपने मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल ड्राई कर लिया, उसके बाद इसे लगाया तो आप देख सकते हैं 2 घंटे से ये एज इट इज़ है, मुझे रिटच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यस, इतना अच्छा ये फॉर्मूला है। शुगर के भी मुझे पसंद आते हैं और ये भी मेबलिन का मैंने फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया था इस ब्रांड का, एंड ये कलर भी बहुत ही अच्छा है, यू नो रस्टी रेड, तो ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा है ये कलर। तो ये थे मेरे ह्यूज नायका हॉल एंड इस मंथ के मेरे स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट जो मैं नायका से बाय की हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी, इस तरह के और भी स्किन केयर, ब्यूटी एंड मेकअप रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ नया प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए और उन्हें आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।